हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है और इसमें किस किस का सिग्नेचर, किस किस अधिकारी का सिग्नेचर और किस किस का मोहर लगता है, वो सब भी पूरा डिटेल से हम बताएंगे। देखिए, यहाँ पे मोहर लगा हुआ है, यहाँ पे सिग्नेचर है, तो ये किसका लगा हुआ है, किस अधिकारी का है, पूरा डिटेल से और फुल प्रोसेस के साथ हम बताएंगे। देखिए, इसमें दो सर्टिफिकेट है, यहाँ पे ये जो यहाँ है ये क्या लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल से बताएंगे। और ये दो करेक्टर सर्टिफिकेट एक ही पेज में है, ये क्यों मांगा जाता है ऐसा, और इसमें किस किस का अलग अलग अधिकारी का सिग्नेचर होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, सब कुछ पूरा डिटेल से बताएंगे। और ऊपर देखिए, ये सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर ये क्या है, इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल से बताएंगे। व्हेन यू हैव लास्ट स्टडी, इसमें किसका मोहर रहेगा, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। इसमें किसका सिग्नेचर है, किसका मोहर है, सब कुछ पूरा डिटेल से बताएंगे। और एक है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, नीचे में देखिए आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, इसमें 8 गेजेटेड ऑफिसर के नाम दिए गए हैं, ये कौन कौन से हैं ये भी बताएंगे, और इसमें किसका सिग्नेचर और किसका मोहर लगता है, ये भी पूरा डिटेल से बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्टडी से रिलेटेड किसी भी जानकारी या एग्जाम के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, अब वीडियो को प्लीज पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, सारा प्रोसेस और सारा जानकारी आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा, सारी जानकारी। देखिए, ये सबसे पहले ये करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये हम स्पेशली ग्रुप डी एग्जाम जो स्टूडेंट है रेलवे का, उसके लिए हम बनाए हैं, बट ये सभी एग्जाम के स्टूडेंट के लिए जरूरी है। कोई भी एग्जाम के स्टूडेंट हो उसको करेक्टर सर्टिफिकेट अपना बनाना पड़ेगा जब ज्वाइनिंग करने जाइएगा। तो इसमें देखिए दो फॉर्मेट भेजा करता है, एक ही पेज में है। इसमें कहने का मतलब है कि दो अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर से आप सिग्नेचर करवाइए, मतलब कि दो अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर आपके करेक्टर के बारे में अच्छा बताए, इसीलिए आप दो अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर के बारे में सिग्नेचर कराइए। देखिए, आप गैजेटेड ऑफिसर का एक लिस्ट है, हम उसको पहले दिखा देते हैं, उसमें से आप किसी से सिग्नेचर करवा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में लिस्ट का नाम दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि केंद्र या राज्य के राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड नंबर में देखिए, उस क्षेत्र का सांसद या विधायक जहां का उम्मीदवार या उसके माता पिता अभिभावक सामान्य निवासी हो, तो सांसद या विधायक से भी आप करवा सकते हैं जो गजेटेड रैंक में आते हैं। तीसरा में देखिए, अनुमंडल दंडाधिकारी या अधिकारी, SDO बोलिए या SDM बोलिए, जो SDM जो हो गया, जो SDO उसी को बोलता है, ये अनुमंडल में बैठता है, आपको अनुमंडल में आसानी से मिल जाएगा। चौथा नंबर में देखिए, दंडाधिकारी की क्षमता का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत तहसीलदार या नवाब या उप तहसीलदार, इसमें CO से भी आप करवा सकते हैं, CO जो सर्किल ऑफिसर होता है अंचल में बैठते हैं, और BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो प्रखंड में बैठते हैं, तो वो दोनों भी गजेटेड ऑफिसर के रैंक में आते हैं, उन दोनों से भी आप सिग्नेचर करवा सकते हैं। पचवां नंबर में देखिए, मान्यता प्राप्त विद्यालय कॉलेज संस्था के प्राचार्य प्रधानाध्यापक जहां उम्मीदवार ने सबसे अंत में अध्ययन किया हो, तो सबसे अंत में जो लास्ट कॉलेज स्टडी रहता है उसमें जाके भी आपको सिग्नेचर कराना पड़ता है, वो एक अलग ही करेक्टर सर्टिफिकेट रहता है, फॉर्मेट रहता है, तो उसमें प्रिंसिपल हेडमास्टर का सिग्नेचर मोहर करवा के बना सकते हैं। छठा नंबर देखिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, हम पहले ही बताए थे कि ये भी गजेटेड ऑफिसर के रैंक में आते हैं। इसमें देखिए, सर्किल ऑफिसर या अंचल अधिकारी के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो भी आते हैं गजेटेड ऑफिसर के रैंक में। अच्छा, सातवां देखिए, पोस्ट मास्टर भी जो है ये गजेटेड ऑफिसर के रैंक में आते हैं, पंचायत निरीक्षक, पंचायत इंस्पेक्टर्स, ये भी गजेटेड रैंक में आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसका सिग्नेचर है। देखिए, सबसे पहले हम जो करवाए हैं, तो ये देखिए, ये हम किसी हॉस्पिटल में चले गए, क्योंकि सरकारी स्कूल के हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल जो है उसके जो डॉक्टर होते हैं वो भी गजेटेड रैंक में आते हैं, जो मतलब थोड़ा सा अच्छा पद पे हो, सरकारी हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर होते हैं अच्छा पद पे हो, वो गजेटेड रैंक में आते हैं, तो उससे भी आप सिग्नेचर मोहर वहाँ से भी करवा सकते हैं। तो हम सबसे पहले वही करवा लिए। और नेक्स्ट में देखिए, हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है, ये हम जो है ना ये अंचल अधिकारी से करवाए हैं, अंचल अधिकारी से हम सिग्नेचर करवाए हैं और इसी का मोहर लगवा लिए, थोड़ा ये आसान था, इसलिए ये भी गजेटेड में आते हैं, कुछ नहीं होता है, इसे भी हम करवा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा अधिकारी होना चाहिए। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्रमांक 357 दिनांक 19/4/2023 को हम करवाए थे, इसलिए वो लिखा दिया, क्रमांक नंबर वहाँ रजिस्टर में लिखता हुआ है, रजिस्टर जो मेंटेन करता है उसमें क्रमांक संख्या लिखता है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय मुंगेर से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संख्या, चरित्र प्रमाण पत्र जो संख्या, जो SP ऑफिस से सबसे पहले आप करेक्टर जो बनवाइएगा ऑनलाइन उसका संख्या लिखता है, उसी का आधार पे देख के, उसी को देख के सिग्नेचर और मोहर करेंगे कि आपका करेक्टर SP ऑफिस से पहले अच्छा रहेगा, तब मतलब वो पुलिस के द्वारा, कोई केस मुकदमा तो नहीं है, वही देखता है। तो ये मेरा कब दिनांक, इसी जो मैं हम करेक्टर SP ऑफिस से बनाए थे उसका दिनांक लिखता है, वो कब बना था उसके आधार पे इसको निर्गत किया गया है। तो इसमें यही लिखा गया है कि पुलिस जो अधीक्षक कार्यालय से जो मेरा बना था SP ऑफिस का करेक्टर, उसी के आधार पे यहाँ पे सिग्नेचर मोहर हुआ है, तो वही वहाँ पे लिख दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, करेक्टर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर, व्हेन यू हैव लास्ट स्टडीज, लास्ट करने का मतलब जहाँ अंतिम पढ़े हैं, जो भी सर्टिफिकेट का इंटर, कॉलेज, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन जो भी है, वहाँ पे जाके अंतिम कॉलेज होना चाहिए जहाँ का डिग्री आप लास्ट में, सबसे लास्ट में दिए हैं। बहुत सारे आदमी ग्रेजुएशन का देखते हैं, मैक्सिमम देते हैं, तो ग्रेजुएशन के कॉलेज में जाइए, वहाँ पे प्रिंसिपल या हेडमास्टर से अपना सिग्नेचर करवाइए, तो वही हम करवाए हैं। देखिए, यहाँ पे सिग्नेचर करवाए हैं, प्रिंसिपल का मोहर है। अब देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रखंड विकास पदाधिकारी के क्रमांक 107 RTPS क्रमांक इसे, ठीक है। देखिए, एक चीज़ देखिए, आप ये जब करवा लीजिएगा, ये जब मतलब इसी प्रिंसिपल का करवा लीजिएगा, तो नीचे में फिर लिखा हुआ रहता है कि टू बी अटेस्टेड बाय स्टाइपेंडरी फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। यहाँ पे फिर बोलता है कि SDO से आप सिग्नेचर करवाइए, सिग्नेचर और SDO लेवल का होना चाहिए, अनुमंडल में जाकर आप करवा लीजिएगा। लेकिन जब आप अनुमंडल जाइएगा तो आपको बोलेगा कि आप पहले जाइए, आप अपना ब्लॉक से सिग्नेचर मोहर करवा लीजिए, तब जाके अनुमंडल पकड़ेगा। अनुमंडल तभी साइन करता है जब ब्लॉक का सिग्नेचर या मोहर होता है, करने का मतलब या तो आप BDO से करवा लीजिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी से, या फिर सर्किल ऑफिस से करवा लीजिए, जो अंचल अधिकारी है तो उसे करवा लीजिए,
दो दोनों में से कोई सी एक से करवा लीजिए, जैसे कि हम देखिए वीडियो से करवा लिए थे और उसी का सिग्नेचर हम करवा लिए थे, इसको देखा उसके बाद हमारा ये सिग्नेचर किया है एचडीओ साहब, एचडीओ साहब देख के इसको देख के सिग्नेचर किया। जब तक नहीं अंचल से सिग्नेचर मोहर होगा तब तक वो एचडीओ साहब जो अनुमंडल में बैठते हैं वो सिग्नेचर मोहर नहीं करेंगे। तो ये व्हेन यू हैव लास्ट स्टडीज वाला है, जो कि इसमें पहले प्रिंसिपल का होता है, फिर आप जाकर अंचल में करवाइए, फिर जाकर अनुमंडल में करवाइए, तो ये कलेक्टर सर्टिफिकेट बनकर रेडी हो जाएगा। आप देखिए ये तो कलेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बता दें कि दो फॉर्मेट बनाना, इसमें दो अलग अलग स्टेट ऑफिसर किसी से भी आप साइन करवा मोहर करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र, क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र, इस निम्नलिखित में किसी एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करवाना है किसी एक से, तो ये सब गजेटेड रैंक में आते हैं, इसके बारे में पहले ही बता दिए हैं। हम नीचे देखते हैं कि इसमें भी किसी का सिग्नेचर मोहर लगता है, इसमें किस किस का सिग्नेचर और मोहर लगता है, चलिए वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे अपना नाम भर दीजिएगा, यहाँ पे अपना पिता का नाम भर दीजिएगा, यहाँ पे ये जो लास्ट वर्ष है अब महीना है, यहाँ पे वर्ष भराएगा, यहाँ पे महीना भराएगा, तो ये वही भरेंगे जो सिग्नेचर और मोहर करेंगे। अगर वो नहीं भरे तब आप अपने मन से 3 साल या 2 साल 6 महीना कुछ भी भर के आप कर दीजिएगा, 3 साल या 2 साल ही भरा जाता है अक्सर, 3 साल या 2 साल भर दीजिएगा, 6 महीना करके भर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए सिग्नेचर और मोहर कर दिया गया, यहाँ पे स्थान और डेट लिख दिए हैं, वही अधिकारी लिख दिए हैं, यहाँ पे सिग्नेचर और मोहर किए हैं। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप मोहर मरवाइएगा तो ये सिंपल मोहर होता है, ये तो मारता ही मारता है, बहुत में गोल मोहर नहीं मारता, जबकि गोल मोहर का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। तो आप लोग ध्यान से बोलिएगा कि इसमें सर गोल मोहर मार दीजिए, तो गोल मोहर का ज़्यादा वैल्यू होता है, कभी कभी इस मोहर का वैल्यू नहीं देता है इस मोहर का वैल्यू, इसलिए आप लोग ध्यान से गोल मोहर मरवाने का कोशिश करिएगा। नहीं मारा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गोल मोहर मरवाने का जरूर कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा तो जरूर मारेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मारेगा। और ऊपर में देखते हैं यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखिए मेरे में लास्ट ईयर्स और मंथ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम अपने से भर देंगे जो भी मेरे मन में आएंगे, 3 साल या 2 साल भर देंगे, ज़्यादातर यही भरा जाता है, 10 साल 20 साल नहीं भर दीजिएगा, 2-3 साल ही भरना जाता है, तो 2-3 साल ही भरिएगा, ये नॉर्मल होता है। देखिए यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे भरा है, जैसे कि ये डॉक्टर के पास करवाए थे, यहाँ पे ये भर दिया 1 मंथ भर दिया है, तो ऐसे ही कुछ भर दीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि मन चला था करवाए थे, यहाँ पे कुछ नहीं भरा, तो यहाँ पे ईयर्स और मंथ उसको नहीं भरा था, भर देंगे। यहाँ पे देखिए प्लेस और डेट भी नहीं लिखा है, इसका कोई जरूरी नहीं है प्लेस और डेट लिखना, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ पे जाइएगा आप ज्वाइन करने के लिए, वहाँ पर अधिकारी बोलेगा कि यहाँ पे प्लेस डेट लिख दीजिए, तो लिख दीजिएगा, जिस दिन बनाया था उस दिन का डेट दे दीजिएगा, नहीं बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी नाम होता है, यहाँ पे नाम होता है, यहाँ पे अपना पापा का नाम होता है, यहाँ अपना नाम, फिर से अपना नाम यहाँ दीजिएगा, यहाँ पे प्लेस, यहाँ डेट, ये 4-5 चीज़ भर के सिग्नेचर मोहर करवाइए, बहुत सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ भरना नहीं रहता है। यहाँ पे जैसे कि हम कॉलेज में करवाए थे, वो 6-3 साल का हम कॉलेज किए थे, तो वहाँ से लिख दिया 3 से 2015-18 तक हमको जानता है, 3 साल के 2015-18 तक हम कॉलेज किए थे, तो वहीं तक सर लिख दिए। और नीचे देखते हैं, देखिए यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ पे सिग्नेचर लिखा हुआ है, डेट या प्लेस लिखा हुआ, जहाँ पे सिग्नेचर किया हुआ है वहीं पे सिग्नेचर करेगा, जहाँ पे मोहर का सीन है वहीं मोहर मारेगा, वो कहीं भी आसपास मार सकता है, इसलिए सबसे कोई घबराए नहीं कि यहाँ पे सिग्नेचर कर दे, यहाँ पे मोहर कर दे। देखिए हम जितना भी देखिए हम सर्टिफिकेट बनाए हैं, देखिए सब में गोल मोहर दिलवाए हैं, क्योंकि गोल मोहर का ज़्यादा वैल्यू देता है, इसलिए गोल मोहर आप ज़्यादा मरवा लीजिए, ये सिंपल मोहर से गोल मोहर का ज़्यादा वैल्यू होता है। देखिए सब चीज़ में मेरा गोल मोहर है, देखिए गोल मोहर मरवा लिए हैं, इसलिए आप भी गोल मोहर और सिंपल मोहर, सिंपल मोहर तो सबसे पहले मारेगा ही मारेगा, गोल मोहर बहुत में नहीं मारता है, तो जैसे सिंपल मोहर मार देगा उसके बाद बोलेगा सर यहाँ पे गोल मोहर भी मार दीजिए, उसको क्या दिक्कत है, वहाँ मोहर रहता है या वो ठोक देगा आपसे, कुछ पैसा लेगा, 10 या 20 रुपया लेगा, कुछ पैसा लेगा, कभी कोई 50 या 100 रुपया ले लीजिएगा, तो दे दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है, आप जॉब कर रहे हैं उसका भी मन खुश रखिएगा, 10-100-50-10-20 रुपया में कुछ नहीं होता, कहीं कहीं 10-20 भी मन काम चल जाता है 20-30। तो ये हो गया करेक्टर सर्टिफिकेट का पूरा डिटेल्स, और पूरा हम बता दिए कैसे कैसे बनाना है पूरा प्रोसेस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय।